नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। आंध्र प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयवाड़ा के दुर्गा मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। कर्नाटक की राजधानी में चल रहे अवैध स्पा और मसाज पार्लर, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मिजोरम में एक बार फिर भूकंप के झटके, 3.6 मापी गई तीव्रता। ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा दूसरा आरक्षण चार्ट, नियम आज से लागू। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे ले जाना विदेश सेवा अफसरों की भूमिका अहम। असम में एसबीआई के अधिकारियों पर बढ़ रहे हमले, एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग। मोदी मंत्रिमंडल में खत्म हुआ सहयोगियों का प्रतिनिधित्व, मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलें फिर से तेज। बिहार चुनाव को लेकर पीएम की चुनावी रैलियों पर है सहयोगी जदयू की नजर। एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए भारत है प्रतिबद्ध। तेलंगाना पुलिस ने दर्पण ऐप के जरिए 5 साल से लापता यूपी के किशोर को खोज निकाला। टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को मुंबई पुलिस का समन। सभी निजी चैनलों को केंद्र का निर्देश, किसी को बदनाम या आलोचना ना करें। टीआरपी मामले की जांच करेगी आईटी मामलों की संसदीय समिति। पीएम मोदी प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का करेंगे शुरुआत, 1 लाख ग्रामीणों को होगा फायदा। पूर्व रॉ अफसर ने अपनी किताब में किया खालिस्तान साजिश का खुलासा। भागवत ने कहा कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे अधिक संतुष्ट। वकील विशाल तिवारी ने कहा कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कर रहा आयोग, नहीं दे रहा रिपोर्ट, रहा नाकाम। सोना तस्करी मामले में केरल के सीएमओ के मुख्य सचिव रहे शिव शंकर कस्टम विभाग के सामने हुए पेश। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अर्णब गोस्वामी और चैनल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनआरआई कोटे का प्रावधान ऐसा नहीं जिसे बदला ना जा सके। बाल गृहों में रह रहे बच्चों को परिवार को सौंपने पर बाल आयोग से सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब। सिख युवक से बदसलूकी को लेकर हरभजन हुए नाराज, सीएम ममता से की शिकायत। महाराष्ट्र में त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी की कोविड-19 से गई जान। सीमा विवाद को लेकर सेना अधिकारियों ने 7वें दौर के बातचीत से पहले लद्दाख के हालात की समीक्षा की। वायुसेना दिवस पर 2 जवानों ने रचा इतिहास, बनाया स्काई डाइव लैंडिंग का नया रिकॉर्ड।